पबई की बीती रात बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 लोकसभा सदस्यों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। जनता के मन में क्या है ये बताने वाले हम कोई नहीं होते। हम तो विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है मैदानी स्तर पर वो बहुत सुदृढ़ है आज की तारीख में, और वो पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ इस चुनाव में एक उत्प्रेरक समूह के रूप में सामने आएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 17 साल हो गए बीजेपी की सरकार को बने हुए, और अब जो परिवर्तन की भूख जनता के बीच में दिखाई दे रही है तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी।